बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग के सामग्री लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं के लिए है और विषय गणित लेके आए हैं। और यह पुस्तक जो है आपकी राष्ट्र शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है और सत्र 2022-23 के लिए। चलिए देखते हैं, कक्षा 7वीं खंड अ विषय गणित 2022-23, इसमें दिया वर्कशीट एक करेंगे। सबसे पहले वर्कशीट एक में बड़ी संख्याओं का जोड़, जो बड़ी संख्या है उनका जोड़ कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया है। और बड़ी संख्या कौन सी देखी यहाँ पे, 53,946, 26,589, 79 और 12,050, इन संख्याओं को जोड़ना, ये बड़ी संख्या हो गई। तो यहाँ पे आपको ये ओ डी आई मीन्स होता है वंस, टी मीन्स होता है टेंस, एच मीन्स होता है 100 और टी एच मीन्स होता है 1000 और टी टी एच मीन्स होता है 10,000। वंस मीन्स होता है इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पे 10,000 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना के बारे में बताएंगे। तो आज की जो वर्कशीट एक है इसमें बड़ी संख्याओं का जोड़ से संबंधित है। तो देखिए बच्चों, इनको कैसे जोड़ना है हम जोड़ के बताएंगे आपको। देखिए यहाँ दिया है, इसको जोड़ के पहले एक उदाहरण दिया है, 6 में 9 जोड़े 15, 15 की 5, हासिल का 1, हासिल का 1 आप ये लगा दिए यहाँ पे। 1 4, 1 में 4 जोड़े 5, 5 में 7 जोड़े 12, 12 और 5 17 की 7, हासिल का 1 किसके ऊपर दे देंगे आप, सैकड़ा के ऊपर। सैकड़ा अब 9 में 1 जोड़े क्या हो गया 10, 10 5 15 की 5, हासिल का 1 और 1 में 3 जोड़े 4, 4 में 6 जोड़े 10, 10 2 12 की 2, हासिल का 1 और ये 10,000 एंड 10,000 पे हासिला 1 चल जाएगा। तो 1 जोड़ी इसमें कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 1 9। तो इस प्रकार से बड़ी संख्याओं को जोड़ना यहाँ पे आपको बताया गया। ये उदाहरण के रूप में एक प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा ये भी दिया हुआ है। इसी प्रकार आपको नीचे प्रश्न दिए हैं जिन प्रश्नों को आपको जोड़ना है, प्रयास करना है। चलिए देखते हैं इससे प्रयास से संबंधित क्या दिया है। दी गई संख्याओं को जोड़िए, अब इन संख्याओं को जोड़ना है तो आप बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं इनको। देखिए अब 3 में 5 जोड़िए, 3 और 5 क्या होता है 8। यदि आपको वैसा नहीं बनता तो पहले 3 लाइन खींच लीजिए, जैसे 1 2 3। अब इनको किस 3 में कितने को जोड़ना है, 5 को, 1 2 3 4 5। अब इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी 3 में 5 जोड़े तो कितना आया 8, 8 उसके नीचे लीजिए इकाई के नीचे, और जोड़ते किधर से, इकाई तरफ से ही जोड़ते हैं, ध्यान रखेंगे। 5 में 2 जोड़े 7, 8 में 3 जोड़े 11, 11 की 1 यहाँ पे लिखेंगे और जो उसका दहाई का 1 ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पे हासिले का 1 चले गया। और 6 में 1 जोड़े 7, 7 में 9 जोड़े 16 की 6, हासिल का 1 इसी के ऊपर चल जाएगा। 1 में 4 जोड़ दो कितना हो गया 5, 5 में 8 जोड़े 13, 13 की 3, हासिल का 1, 1 और 2 कितना हो गया 3। इस प्रकार ये क्या हो गया आपका 246,853 में 89,325 को जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 336,178 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इसे जोड़ सकते हैं, इन्हें पढ़ना भी है, पढ़ते बनना चाहिए। हज़ार की संख्या है, 10,000 की संख्या कैसे पढ़ा जाता है उसको भी देखना है यहाँ पे। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 दिया है, इसको भी क्या करना था आपको जोड़ना है। अब यहाँ पे कितने 3 अंकों 3 बार जोड़ना है हमको, जैसे यहाँ पे 453,628 में 234,156 और 187,690, इन तीनों को क्या करना है जोड़ना है। अब 3 संख्याओं को जोड़ना है तो जोड़ना किधर से चालू करेंगे, इकाई से चालू करेंगे। जैसे 8 में 6 जोड़े कितना हो गया 14, 14 की 4, हासिल का 1। अब 1 में 2 जोड़ दीजिए कितना हुआ 3, 3 में 5 जोड़े 8, 8 में 9 जोड़े 17 की 7, हासिल का 1। 1 में 6 जोड़े 7 हो गया, 7 में 1 जोड़े 8 और 8 में 6 जोड़े 14, 14 की 4, हासिल का 1। 1 में 3 जोड़े कितना हो गया 4, 4 में 4 जोड़े 8, 8 में 7 जोड़े कितना होता है 15, 15 की 5, हासिल का 1 उसके जो इस संख्या के ऊपर चल जाएगा 5 के ऊपर। 5 में 1 जोड़े 6, 6 में 3 जोड़े 9, 9 में 8 जोड़े 17 की 7, हासिल का 1। 1 में 4 जोड़े कितना हो गया 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 1 जोड़े 8। इस प्रकार से ये तीनों संख्याओं को जोड़े, जैसे 453,628 में 234,156 को और 187,690 को जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 875,474 प्राप्त हुआ।
तो इस प्रकार से इन सवालों को जोड़ेंगे। इसी प्रकार आपको तीसरा सवाल भी जोड़ना था, तो तीसरा सवाल को जोड़ के बता दिए हमने। आप देख सकते हैं कैसे जोड़े हैं, 6 में 8 जोड़े 14, 14 की 4 हासिल का 1, अब 1 को 5 से जोड़े कि 6, 6 में 9 जोड़े 15 की 5 हासिल का 1, 1 में 4 जोड़े 5, 5 में 6 जोड़े कितना हो गया 11, 11 के 1 हासिल का 1, अब ये 1 में 5 जोड़ दीजिए, 1 में 5 जोड़े तो कितना हो गया 6, और 6 में 5 जोड़े 11, 11 के 1 हासिल का 1, 8 में 1 जोड़े 9, 9 में 3 जोड़े कितना हो गया 12, 12 के 2 हासिल का 1, और अब ये हासिल का 1 7 में जोड़ दी कितना हो गया 8, 8 में 2 जोड़े 10। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 78,785,456 को किस में जोड़े 235,698 में जोड़े, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 10,21,154 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 34 सवाल को भी आप जोड़ के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके जोड़ संबंधी बड़ी संख्याओं को जोड़ कैसे करना है ये बताया आपको हमने, और जोड़ते किधर से इकाई के तरफ से जोड़ते हैं, इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक कौन सा है, सैकड़े का अंक और हज़ार के अंक के बारे में आपको हमने बता दिया। वर्कशीट 2 देखते हैं, दैनिक जीवन में संबंधित जोड़, जो दैनिक जीवन से संबंधित जोड़ है उससे संबंधित प्रश्न है जिसका उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या दिया है, वर्ष 1991 में सुंदर नगर की जनसंख्या 235,471 थी, वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई, तो वर्ष 2000 में शहर की जनसंख्या 2001 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2001 में शहर की जनसंख्या बताने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2001 की। तो क्या करना पड़ेगा आपको इसको करने के लिए, हमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले वर्ष 1991 की जनसंख्या कितनी है 235,471, और 2001 में जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई 72,958 की। अब 235,471 में 72,958 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगी, वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या, 8 में 1 जोड़े कितना हो गया 9, 7 में 5 जोड़े 12 की 2 हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 में 9 जोड़े 14 की 4 हासिल का 1, 1 में 5 जोड़े कितना हो गया 6, और 6 और 2 8, 3 में 7 जोड़े 10 की 0 हासिल का 1, और 1 में 2 जोड़े 3। तो इस प्रकार से कितना आ गया 308,429। तो हाँ उत्तर में क्या लिख देंगे, वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या 308,429 थी। इस प्रकार से उदाहरण दिया था, इसी प्रकार आपको प्रयास के लिए प्रश्न दिए उन प्रश्नों को करना है। देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, एक फैक्ट्री में पहले दिन 23,469 बल्ब बनाती है, एक फैक्ट्री पहले दिन कितने बल्ब बनाती है 23,469 बल्ब बनाती है, दूसरे दिन 40,240 बल्ब बनाती है, और तीसरे दिन 20,176 बल्ब बनाती है, तीनों दिनों में कुल कितने बल्ब बनाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले दिन के बल्ब जितने बने, दूसरे दिन में बल्ब जितने बने, और तीसरे दिन में जितने बल्ब बने, इन सभी बल्बों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। कैसे लिखेंगे, पहले दिन कितना 23,469 बल्ब बने, दूसरे दिन 40,240 बल्ब बने, और तीसरे दिन 20,176 बल्ब बने, एक के नीचे एक लिख दिए और इन्हें जोड़ देंगे। अब 9 में 6 जोड़े, देखो 9 में 0 जोड़े तो 9 ही होगा, और 9 में 6 जोड़े 15 की 5 हासिल का 1 ऊपर चल जाएगा। अब ये हासिल का पहले ही जोड़ दीजिए, 1 में 6 जोड़े कितना हो गया 7, 7 में 4 जोड़े कितना हुआ 11, और 11 में 7 जोड़े 18 की 8 हासिल का 1, 1 को 4 में जोड़ दीजिए, 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 और 1 8। अब इसके बाद 3 में 0 जोड़े 3, और फिर 3 में 0 जोड़े 3, यानी कि 0 के साथ किसी भी संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे तो वही संख्या आएगी। फिर 2 में 4 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8। इस प्रकार 3 दिनों में कुल बल्ब कितने बनेंगे 83,885 बल्ब बनेंगे। तो नीचे लिख देंगे अर्थात 3 दिनों में कुल 83,885 बल्ब बनाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दो में क्या कहा है, ध्यान दीजिए, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई, पहले दूसरे तीसरे और चौथे दिन खिड़की पर क्रमशः 1,094, 1,812, 2,050 और 2,751 टिकट बेचे गए, इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। तो जो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरे दिन और चौथे दिन की जो टिकटें बेची गई उन सभी टिकटों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। तो यहाँ लिख दी, पहले दिन में कितनी टिकट बिकी,
1094, दूसरे दिन में 1812, तीसरे दिन में 2050 और चौथे दिन में 2751 टिकट बिकी। अब इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 0 जोड़े 6 और 6 में 1 जोड़े 7, फिर 9 में 1 जोड़े 10, 10 में 5 जोड़े 15, 15 में 5 जोड़े 20, 20 की सुर हासिल कर दो, 2 में 8 जोड़ दीजिए 2 और 8 10 और 10 और 7 17 के साथ हासिल का 1, 1 में 1 जोड़े 2, 2 और 1 3, 3 2 5 और 2 7, इस प्रकार 7707। तो 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, 7707 टिकट क्या करेंगे, वो बेचेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको दैनिक जीवन संबंधी जोड़ के सवाल बताए, और जो 1000 से लेकर 10000 तक या लाख तक जो बड़ी संख्या होती है उनके जोड़ कैसे करना है आपको बताए। यदि बच्चों आपको जो जोड़ के सवाल बताए समझ आए, तो आप हमारे चैनल आइडिया देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।